हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मैं गुलबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो बहुत ही क्विक है। आज मैं जो है आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप किस तरह से रिमूव करते हैं, और दूसरा ये कि विंटर में जो है आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और उसको भी कैसे आप केयर कर सके। तो आज मेरी वीडियो में को यही देखने को मिलने वाला है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो है क्लेंजर से मसाज करके हमारा मेकअप उतारेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्लेंजर होते हैं जिससे मस्कारा हमारा उतरता नहीं और वहीं पर ही जो है जम जाता है, लेकिन ये क्लेंजर जो है बड़ा अच्छा है। ये एलमोर का क्लेंजिंग मिल्क है जो कि बड़ा बेहतरीन है। खुशबू भी इसकी बड़ी माइल्ड सी है। अगर आपकी एक्नी और ऑयली वाली स्किन है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं और मुझे खासा अच्छा लगा है। बहुत जल्दी जो है अपनी आपकी स्किन में जज भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी जो है ये ऐसा कुछ फेस पर नहीं लगता है। मसाज करने के बाद मैं जो है टिश्यू से इसको साफ़ कर लूँगी, और डबल चेक के लिए मैं जो है ये वाला बॉडी लोशन एलमोर का इस्तेमाल करूँगी जो कि ग्लिसरीन बॉडी लोशन है। इसको जो है फेस पर लगाऊँगी और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करके मैं इसको भी जो है टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। अब जो है मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है, कोई भी मेकअप जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसको हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारी स्किन बिल्कुल फिर से ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। तो आपकी स्किन में जो है ये जज्ब हो जाता है। अपनी स्किन को अब मॉइस्चराइज करने के लिए एलमोर का ही ये क्रीम है जो कि है, इसमें जो है विटामिन ई भी है और ये सॉफ्ट क्रीम है, बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप जो है समर्स में भी यूज़ कीजिए मॉइस्चराइजिंग के लिए, और जो है विंटर में भी यूज़ कीजिए, सर्दियाँ आ रही है। आज की वीडियो मेरी यही थी। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स बताती हूँ तो थोड़ा जो है स्किन को साफ रखना भी बता दूँ। तो वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ महकरबा कादरी सेइंग आई लव यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।